देश में बढ़ती बेरोजगारी व गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते युवा कांग्रेस भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार आक्रमण कर रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर रोजगार दो स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान चलाया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशले तिवारी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के लोग बेहद ही हास्यास्पद और बचकानी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी महागठबंधन की सरकार है और वे लोग अब भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि रोजगार दीजिए। कांग्रेस झारखंड के लोग बेहद ही बचकाना और हास्यास्पद मांग कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आप यहाँ पे सरकार में शामिल हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से नौकरी की मांग कर रहे हैं। इससे भी असिद्ध होता है कि रोजगार कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। पहला, दूसरी बात, यदि आप इतने युवाओं और रोजगारों की चिंता करने वाले लोग थे तो आपने हेमंत सोरेन जी से डिमांड क्यों नहीं किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार दीजिए? और यदि वो डिमांड नहीं पूरा कर रहे हैं तो आप सरकार से हट क्यों नहीं जा रहे हैं? तीसरी बात, माननीय हेमंत सोरेन जी का घोषणा पत्र में, जो मेरे पास घोषणा पत्र भी उनका रखा हुआ है, घोषणा पत्र में वो दावा कर रहे थे चुनाव से पहले कि मैं हर साल दो साल में 10-5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। आप मीडिया के जागृत नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन एक करीब 9 महीना होने को है, कितने लोगों को रोजगार दे दिया है? और तो और, जो प्लांट हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाया था, हेमंत रघुदास जी ने, वो प्लांट भी बंद हो रहे हैं आपके इस आक्रमणीय नीति के कारण। जितने लोग इस प्रवासी मजदूर झारखंड में आए पूरे भारत से, आपने उसके लिए क्या नीति बनाया है, क्या नियम बनाए हैं कि उनका कहाँ समावेश करेंगे, कहाँ उनका समायोजन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजनीति मत कीजिए, युवाओं के साथ में, छात्रों के साथ में, नौकरी देने के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ढकोसला है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छलावा है। वो हम पे निशाना है सारे, ये काफी हास्यास्पद है। शायद वो भूल गए हैं कि राज्य में उनकी सरकार है। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार से बेरोजगारों को, जो श्रमिक जो दूसरे राज्यों से आए थे, उन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी की जो हिम्मत वाली सरकार है, उसने वादा किया था कि हम 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज भी बेरोजगार रोड पे भटक रहे हैं उस बेरोजगारी भत्ते के लिए। कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता? महिलाओं के लिए कितनी सारी घोषणाएं थी, 9 महीने में क्या एक भी घोषणा जो हिम्मत वाली सरकार की थी, क्या उस पे फलीभूत हुआ? एक भी घोषणा को उन्होंने निष्पादन किया? एक भी उस पे आगे कैसे काम करना है इस पे उन्होंने देखा? नहीं देखा। देखा क्या? कहाँ भ्रष्टाचार होगा, कैसे उगाही होगी, राज्य में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, भय भूख भ्रष्टाचार चरम पर है। बहरहाल यह मांग बेहद ही हास्यास्पद है। चुनाव से पूर्व महागठबंधन की सरकार ने घोषणा किया था कि वे प्रत्येक वर्ष 20,000 युवाओं को रोजगार देंगे। मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये रोजगार युवाओं को मिलेगा कब? सनमार्ग लाइव के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।